जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। हाल में आए महंगाई के सरकारी आंकड़ों ने चिंता और बढ़ा दी है विराम। थोक और खुदरा महंगाई अभी जिस उच्चतम स्तर पर है उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलेगी, बल्कि अंदेशा इस बात का गहरा रहा है कि आगामी महीनों में यह कहीं पिछले रिकॉर्ड न तोड़ने लगे। विराम। फरवरी में खुदरा महंगाई 8 महीने में सबसे ज़्यादा यानी 6.7% रही, जो जनवरी में 6.1% थी। इसी तरह थोक महंगाई दर भी 13.11% पर है। लंबे समय से थोक महंगाई का 2 अंकों में बने रहना हालात की गंभीरता को बता रहा है। ऐसे में अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि महंगाई में कितने फीसद या कितने दशमलव अंक की वृद्धि या कमी हुई। इसका असर तो रोजमर्रा की जिंदगी में पता चल ही रहा है। हकीकत तो यह है कि शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसके दाम न बढ़ रहे हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों या फिर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली सामान्य चीज़ें। कुछ दिन पहले ही दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए थे। इसके पहले व्यावसायिक गैस सिलेंडर 105 रुपए महंगे थे। इसके पहले हुआ था फिर CNG महंगी हुई। पैरा। फरवरी के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई का रुख जनवरी की तरह ही रहा। विराम। इस बार भी खाद्य वस्तुओं, कपड़े, जूते, चप्पल, ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी आई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, पेय पदार्थों और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ 1.25 साल में सबसे ज़्यादा फरवरी में महंगे हुए। चाय, कॉफ़ी से लेकर मैगी तक के दाम बढ़ गए। विराम। सब्जियों और फलों के दाम पहले से ही रुला रहे हैं। खाद्य तेलों के दाम भी साल भर पहले जिस स्तर को छू गए थे उसके बाद इनमें कोई उल्लेखनीय कमी तो आई नहीं, बल्कि पिछले महीने यूक्रेन संकट का हवाला देते हुए कंपनियों ने फिर दाम बढ़ा दिए। महंगाई का एक बड़ा कारण उत्पादन लागत का लगातार बढ़ना भी रहा। थोक महंगाई 2 अंकों में बनी रहने का मतलब यही है कि कारखानों, फैक्ट्रियों से सामान महंगा होकर ही बाहर आ रहा है। इसका मूल कारण कच्चे माल का महंगा होना है। इसके अलावा बिजली महंगी होने से भी लागत बढ़ रही है। फिर फैक्ट्रियों से बाजार तक माल पहुंचने की लागत भी इसमें जुड़ जाती है और इन सब का बोझ आखिरकार उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। जाहिर है थोक महंगाई बढ़े या खुदरा महंगाई, मार तो आम लोगों पर ही पड़नी है। पैसा लोगों की जेब से ही निकलना है। ऐसे में मुश्किलें तब और पहाड़ जैसी बन जाती है जब पास में पैसा न हो। विराम। गौरतलब कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और करोड़ों लोग पिछले 2.5 साल से आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। पैरा। अभी तक महंगाई का कारण कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी, विकास दर में कमी, लोगों के पास पैसा नहीं होना जैसे कारण बने हुए थे, लेकिन अब रूस और यूक्रेन की जंग ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कच्चा तेल महंगा होने से यह संकट और भयानक रूप ले सकता है। तेल कंपनियां दाम बढ़ाने को तैयार बैठी हैं। जाहिर है
आने वाले वक्त में इसका सामना करने को तैयार रहना होगा। रिजर्व बैंक ही पहले आगाह कर चुका है कि इस साल महंगाई की मार से बच पाना मुश्किल है। ऐसे में उस पर भी नीतिगत दरें बढ़ाने के लिए दबाव तो है ही। संकट गंभीर इसलिए भी हो गया है कि आबादी के बड़े हिस्से के पास खर्च के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। ऐसे में लोग कैसे महंगाई की मार बर्दाश्त कर पाएंगे। पैरा, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया सहित भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से कैसे हालात पैदा हुए, कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए, कितनों की जान चली गई, यह एक जग जाहिर हकीकत है। दुनिया को इस त्रासदी का गवाह इसलिए बनना पड़ा कि तब तक इस संक्रमण का कोई मुकम्मल इलाज नहीं था। हालांकि संक्रमण के बाद रोग का सामना करने के लिए कुछ दवाइयां प्रोटोकॉल के तहत दी गई और उससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सका, लेकिन इस मामले में असली जटिलता यह थी कि वह कौन सा उपाय हो ताकि इसके संक्रमण की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके। जाहिर है इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यह माना गया कि कोरोना विषाणु की रोकथाम के लिए जो टीके तैयार किए जा रहे हैं उनका सहारा लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाए। इसके लिए सरकार ने समूचे देश में टीकाकरण की एक व्यापक योजना शुरू की, जिसके तहत अब तक देश भर में टीके की 180 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पैरा, इस क्रम में शुरुआत से ही यह ध्यान रखा गया कि टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयु वर्ग के मुताबिक लोगों का चयन किया जाए। यह व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों से होते हुए कम आयु वर्ग के लिए होती गई, जिसके तहत 15 से 18 साल वालों को भी टीका दिया गया। सोमवार को सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तार देते हुए यह घोषणा की कि अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा। विराम, यानी अब इस आयु वर्ग के बच्चे भी टीका लगवाने के पात्र होंगे। जाहिर है सरकार का यह मानना है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की कोई निश्चित प्रकृति नहीं रही है, इसलिए समय के साथ उसकी चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं, इसलिए उन्हें भी टीकाकरण के जरिए सुरक्षित बनाया जाए। इसके अलावा सरकार ने उन बुजुर्गों के लिए टीके की एहतियाती खुराक देने की घोषणा की है जिन्होंने पहले 2 खुराक ले ली है। माना जा रहा है कि चूंकि कोविड-19 से ग्रसित होने के लिहाज से बुजुर्ग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए टीके की 2 खुराक के बाद तीसरी और एहतियाती खुराक लेने से कोरोना विषाणु के संक्रमण के खतरे से बचाव में ज़्यादा मदद मिलेगी। पैरा, हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना विषाणु संक्रमण की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है, मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक सीमा तक सुरक्षित स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए घोषित सख्त नियम कायदों और पाबंदियों में काफ़ी राहत दी गई है, लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोरोना और उसके अलग अलग बहुरूप के संक्रमण की जो प्रकृति रही है उसके मुताबिक अगर इससे बचाव और सुरक्षा को लेकर लापरवाही बढ़ती गई तो उसके गंभीर नतीजे
सामने आ सकते हैं। इसलिए देश भर में जहां भी कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में छूट दी गई है, वहां इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। विराम।